भिवाड़ी में एक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित एएसपी से मिले और बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही करने की बात रखी। मामला एमपीएल लिमिटेड कंपनी के खिलाफ है। इस ग्रुप के कई प्रोजेक्ट भिवाड़ी में चल रहे हैं। इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट 2009 में इंडी होम के नाम से शुरू हुआ था, जिसमें ग्राहकों ने बताया कि 2013 तक उन्हें पजेशन भी मिल जाना चाहिए था, लेकिन 2018 तक 95% पैसा जमा कराने के बावजूद उन्हें फ्लैट लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। मामला ये है कि 2009 से बुकिंग ली और 2011 से पजेशन देना था। इस वक्त हम 2018 में खड़े हैं और आज तक सालों से एरिया घिसने के बावजूद 95% पैसे देने के बावजूद हमें पोजीशन पिछले 7 साल से डिनाई कर रहा है और उल्टा हमें हैरासमेंट कर रहा है, हमें धमकियां देता है, हमारे प्रोजेक्ट को पिछले 6 साल से कंस्ट्रक्शन बंद करके रखा है और हम पूरी तरीके से परेशान हैरान होने के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत किए हैं उसके खिलाफ और उसी का फॉलोअप करने आए। इंडी होम में लगभग 650 फ्लैट बताए गए हैं। इसमें डायरेक्टर प्रेम ऋषि और उनके बेटे अर्जुन ऋषि हैं। यहाँ लगभग ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई संजोकर इसमें फ्लैट बुक कराया था। 2009 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में ग्राहकों ने 95% पैसा भी जमा करा दिया। बिल्डर ने 2013 में पोजेशन देने का वादा किया था, लेकिन आज 2018 तक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा और ग्राहकों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट पर बिल्डर ने बाउंसर बैठा रखे हैं ताकि किसी की हिम्मत ना हो वहां कुछ बोलने की। बिल्डर के खिलाफ खुशखेड़ा में भी मामला दर्ज है। आर्थिक मामलों से लेकर सर्विस टैक्स सहित कई तरह के विभागीय मामलों में भी इन पर गड़बड़ी के आरोप हैं। फिलहाल लोगों का पैसा फंसा है और फ्लैट नहीं मिल पा रहा। आज भिवाड़ी में करीब 65 पीड़ित एएसपी पुष्पेंद्र सोलंकी से मिले, जबकि 2 माह पहले बिल्डर के खिलाफ खुशखेड़ा थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। मैंने 2009 में इंडी होम भिवाड़ी में एक फ्लैट बुक किया था, जिसका पोजीशन हमारे को 2012 में देना था और जो अभी तक नहीं मिला है, इसको लेकर के हमने कोर्ट केस भी किया हुआ है, एफआईआर भी किया हुआ है, ईओडब्ल्यू में भी गए हुए हैं, एरा में भी गए हुए हैं, कहीं से भी हमारे को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एफआईआर किया वो 2 महीने से अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उसी को आज हम लोग एडिशनल एसपी से मिलके रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट हमारा जो एफआईआर है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन ले। इस मामले में एसपी सोलंकी ने बताया कि आरोपियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। ये ओरल इंडी होम्स है, एमवीएल इंडी होम्स, इसके कुछ उपभोक्ता हैं जिन्होंने इसमें फ्लैट बुक कराए हुए हैं। इनके फ्लैट 2013 में हमको डिलीवर करने थे जो अभी तक नहीं दिए गए। इस बात को लेकर के ये सारे लोग जो उन्होंने फ्लैट बुक कराए हुए हैं वो आज अपनी शिकायत लेकर आए थे। मैं बिल्डर को नोटिस दिया हुआ है सूचना उपलब्ध कराने के लिए, जैसे ही वो नोटिस का जवाब आता है तो कर